हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी आरबीएससी क्लास फोर्थ के ईवीएस के चैप्टर 9 ओ वाटर स्ट्रेंज इज योर स्टोरी इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को रीड करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर ओ वाटर स्ट्रेंज इज योर स्टोरी, पानी रे अजब तेरी कहानी। तो देखिए बच्चों, इस साइड में जहां आप देख रहे हैं, ये हमारी आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक है। इसके सामने मैंने यहाँ हिंदी मीडियम की बुक ले रखी है ताकि आपको जो कुछ समझ ना आए आप दोनों बुक से मैच कर अच्छे से समझ लीजिए। निकिता नरेटेड हर ड्रीम टू हर फ्रेंड्स वन डे। एक दिन निकिता ने अपने साथियों को अपना सपना सुनाया। निकिता सेड, लास्ट नाइट इन माय ड्रीम आई सा वाटर ऑफ मैनी कलर्स। निकिता ने कहा कि कल रात सपने में मुझे कई रंग का पानी दिखा था। कैसे कैसे रंग थे? रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। सपने में मुझे लाल, पीला, नीला, हरा, बहुत सारे रंग का पानी दिखा था। सम वर स्वीट, कुछ पानी मीठा था। सम वर सोर, कुछ पानी खट्टा था। यानी कोई पानी मीठा था, कोई पानी खट्टा था। वाटर इवन टॉक टू मी, पानी ने मुझसे बातें भी की। कलर्स ऑफ वाटर, पानी का रंग। चिल्ड्रन बिगेन डिस्कसिंग हाउ डिड वाटर टर्न ग्रीन येलो ब्लू। बच्चे आपस में डिस्कस करने लगे कि पानी का कलर ग्रीन येलो ब्लू कैसे हो गया। लेट अस गो एंड सी व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर लाइक। चलिए अब हम देखते हैं कि पानी का रंग कैसा है। तो बच्चों, इसमें आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। मैंने उन एक्सपेरिमेंट पर एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उन एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा कैसे होता है। जैसा पहला है, डू दिस आल्सो, ये भी कीजिए। टेक थ्री बाउल्स फुल ऑफ वाटर, हम तीन गिलास पानी लेते हैं, तीन कटोरियां पानी लेते हैं। एड ए लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक पाउडर इन द फर्स्ट, रेड इंक इन द सेकेंड एंड ब्लू इंक इन द थर्ड। एक में हम हल्दी पाउडर, एक में हम लाल शाही, एक में नीली शाही थोड़ी थोड़ी डाल देते हैं। If these materials are not available, then add any other color and watch what happens to the color of water. अगर आपके पास ये चीजें ना हो तो कोई भी रंग डाल दो और देखो पानी का रंग कैसा हो गया है। Take any two colored water and mix a little water from both of them in a separate bowl. कोई भी दो रंग के पानी को थोड़ा थोड़ा लेकर किसी दूसरी कटोरी में मिलाओ। तो अब क्या होगा? वन मोर न्यू कलर इज फॉर्म्ड, एक नया रंग बन गया है। वाटर हैज नो कलर ऑफ इट्स ओन, इट इज कलरलेस। पानी का अपना कोई रंग नहीं होता है, पानी तो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर है लुक एंड टेल में, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन द प्रेजेंट वीडियो हम सिर्फ चैप्टर को रीड करेंगे। टेस्ट ऑफ द वाटर, पानी का स्वाद। निकिता सेड दैट वाटर वाज स्वीट एंड स्वीट आल्सो एंड सोर आल्सो। निकिता ने कहा कि पानी खट्टा भी था, मीठा भी था। लेट अस सी व्हाट इज द टेस्ट ऑफ वाटर लाइक। चलिए हम देखते हैं कि पानी का स्वाद कैसा होता है। एड लाइम जूस टू वाटर, हाउ डज इट टेस्ट। अगर आप पानी में नींबू का रस मिला देंगे तो पानी का रंग कैसा होगा? खट्टा हो जाएगा। एड साल्ट टू वाटर, हाउ डज इट टेस्ट। अगर पानी में हम नमक मिला देंगे, पानी का रंग नमकीन हो जाएगा, साल्टी हो जाएगा। आप अपने घर पर भी करके देख सकते हैं। एड शुगर टू वाटर, व्हाट डज इट टेस्ट। पानी में शक्कर मिला देते हैं तो पानी का टेस्ट कैसा हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। नींबू डालेंगे, खट्टा हो जाएगा। नमक डालेंगे, नमकीन हो जाएगा। चीनी डालेंगे, मीठा हो जाएगा। वाटर हैज नो टेस्ट ऑफ इट्स ओवन, पानी का अपना कोई कलर स्वाद नहीं होता है। इट स्टार्ट टेस्टिंग लाइक वट एवर दैट हैज बीन मिक्सड इन टू इट। उसमें जो कुछ भी मिलाओ पानी का स्वाद वैसा ही हो जाता है। चिल्ड्रन अगेन बिगेन टू क्वेश्चन निकिता, बच्चों ने फिर निकिता से पूछा, व्हाट डिड
What else did water say? कि पानी ने तुम्हें और क्या क्या कहा? Nikita said, water told her that whatever it want, it can disappear and then reappear also. Nikita बोली कि पानी ने उसे कहा, whenever it want, कि पानी ने मुझे कहा कि मैं जब चाहूं तब गायब हो जाता हूं और जब चाहूं मैं वापिस अपीयर हो जाता हूं. It is very powerful. Sometimes it becomes very hard also. Let us see how is this possible. पानी बहुत ताकतवर है, कभी कभी मैं बहुत ज्यादा हार्ड कठोर हो जाता हूँ. चलो देखो ये कैसे हो सकते हैं. Water has disappeared. गायब हुआ पानी. पानी गायब कैसे हो सकता है? Number one is effect of it. गर्मी का असर. गर्मी में पानी गायब हो जाता है. Take two glasses, दो गिलास लीजिए. Fill them equally with water, उनसे पानी से भर लीजिए. Keep one glass under the sun and keep one in shade. एक गिलास को धूप में रख दो, दूसरे को छाया में रख दो. Observe the water of both the glasses after two days. दो दिन के बाद दोनों गिलास के पानी को आप देखो. What difference is seen in water of both of glasses? दोनों गिलास के पानी में क्या अंतर आता है? तो आप क्या देखेंगे? Why does the water in glass placed under the sun decrease? जो पानी धूप में रखा था उस गिलास का पानी कम हो जाता है. यहां हम देख रहे हैं दो गिलास पानी है. एक गिलास में है glass filled with water kept in shade. एक गिलास को छाया में रखा गया है. ग्लास फिल्ड विद वाटर केप्ट अंडर सन. और एक गिलास को धूप में रखा गया है. तो देखिए धूप वाले गिलास का पानी कम हो गया है. इफेक्ट ऑफ स्पिलिंग. स्पिलिंग मतलब फैलना. टेक अ ग्लास बाउल एंड अ प्लेट. एक गिलास लो, एक कटोरी लो, एक प्लेट लो. देखो तीन चीजें हैं, ग्लास, कटोरी, प्लेट. एड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ऑल थ्री. तीनों में एक जितना पानी डाल दो, यानी कि तीन चार चम्मच पानी डाल दो इसमें. लाइक एड थ्री फोर स्पून ऑफ वाटर इन ऑल. तीन चार चम्मच पानी सब में डाल दो. एंड कीप देम इन द सन. सबको सूरज की धूप में रख दो. आफ्टर सम आवर्स ऑब्जर्व हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन ईच यूटेंसिल. कुछ घंटे बाद देखो कि किस बर्तन में कितना पानी बचा है. तो आप क्या देखते हो? In which utensil water decreased the most? किस बर्तन में पानी सबसे ज्यादा कम हो गया? तो natural है जो बर्तन बड़ा होगा, यानी कि जो थाली थी उसमें पानी कम सबसे कम हुआ होगा. In which utensil water decreased the fastest? किस में पानी सबसे पहले कम हुआ? वो भी थाली में कम होगा. In which utensil water dried the least? किस में पानी सबसे कम सूखा? तो नेचुरल है कि ग्लास में पानी जो है वो सबसे कम सूखेगा. इट टुक द मैक्सिमम टाइम फॉर वाटर इन दिस यूटेंसिल टू ड्राई अप. व्हाई? इस बर्तन में पानी सूखने में सबसे ज्यादा समय क्यों लगा? क्योंकि पानी का जो फ्लाव स्पीडिंग थी वो यहां पे बहुत कम थी. जितना बड़ा बर्तन होगा उतनी जल्दी पानी सूखेगा. अब आपको ये बात समझ में आ गई ना? वैसे मैंने एक्सपेरिमेंट में ये बात बताई है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको ये अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड नाउ द वाटर दैट इज स्प्रेड मोर ड्राइज द फास्टेस्ट. अब आप समझ गए होगे ना कि जो फैला हुआ पानी है वो जल्दी सूखता है. यू मस्ट हैव सीन इन योर हाउस हाउ क्लोथ्स आर ड्राइड आफ्टर वॉशिंग. अब आपने अपने घर में भी देखा होगा कि कपड़ों को धोने के बाद हम उन्हें सुखाते कैसे. हम उन्हें कपड़ों को ऐसे फैलाकर सुखाते क्योंकि ऐसा करने से सूरज की धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. देखिए इधर और इधर दोनों तरफ से हवा लग रही है, फैलाव पूरा है, तभी कपड़े जल्दी सूख जाएंगे. अब इसके बाद में क्वेश्चन है. इन क्वेश्चंस के आंसर तो बच्चों मैंने आपको बताया ना, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक साथ ही दूंगा. अगर मैं अभी दूंगा तो वीडियो भी बड़ा हो जाता है और आपको सारा मिक्सअप हो जाता है. ड्यू टू हीट इन समर. गर्मी में जब ताप होता है इसके कारण क्या होता है? वाटर चेंज इनटू वेपर. पानी गर्मी में भाप बनकर उड़ जाता है. दिस वेपर
मिक्स विद एयर, ये जो भाप है ये हवा में मिल जाती है, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और इस तरह पानी का हवा में उड़ना इसे इवेपोरेशन, वाष्पीकरण कहते हैं। क्लोथ ड्राई ड्यू टू इवेपोरेशन ओनली, कपड़े इसी इवेपोरेशन के कारण सूखते हैं, क्योंकि हवा, कपड़ों में जो पानी है वो धूप में वेपर बनकर उड़ जाता है। All around us, too much of water keeps disappearing in the form of vapors. हमारे आसपास बहुत सारा पानी जो है वो वेपर बनकर उड़ता रहता है, गायब होता रहता है। Water in pits, जैसे कि खड्डों का पानी, लेक तालाबों का पानी एंड रिवर्स नदियों का पानी, टू ड्राई अप इन समर ड्यू टू वेपोराइजेशन, ये भी गर्मियों में वेपोराइजेशन वाष्पीकरण के कारण सूख जाता है। वाटर रीअपीयर, अब पानी वापस कैसे आता है? इन द ड्रीम वाटर टोल्ड निकिता दैट इट कैन रीअपीयर आल्सो, सपने में पानी ने निकिता को कहा था वह प्रकट भी हो सकता है, रीअपीयर भी हो सकता है। लेट अस सी हाउ डज दिस हैपन, चलो देखते हैं ये कैसा होता है। अब हमें इसमें क्या करना है, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेना है, एड अ लिटिल आइस टू इट, इसमें कुछ बर्फ डाल देनी है, और कीप इट इन फ्रिज फॉर अ फ्यू आवर्स, या कुछ देर के लिए इसको फ्रिज में रख दो, एंड देन टेक इट आउट, और फिर इसे बाहर निकालो। आफ्टर ए वाइल ऑब्जर्व द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि गिलास के जो बाहरी साइड है ना, जैसे मान लो मैं आपको चित्र बनाकर ये बात समझाता हूं, वैसे मैंने आपको बताया ना वीडियो में, हमने ये बात क्लियर दिखाई है। जैसे मान लो ये गिलास आपने बर्फ का गिलास रखा, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे इसके चारों तरफ ना, यहां चारों तरफ छोटी छोटी सी पानी की बूंदे आ गई है। ये पानी की बूंदे क्यों होती है, तो इसका कारण क्या है, There is always some amount of vapor present in the air that surrounds us. हमारे आसपास जो हवा है इसमें थोड़ी बहुत वेपर वाष्प होती है। When this vapor comes in contact with the cold glass, it becomes cold and deposit outside the glass. तो हमारे आसपास में जो थोड़ी बहुत वेपर है, जब वो ठंडे गिलास के टच में आती है तो वो ठंडी होकर ग्लास के बाहर जम जाती है। The transformation of vapor into water in this way is called condensation. इस तरह से वेपर का वाटर में बदलना condensation कहलाता है, हिंदी में इसे कहते हैं संगनन। Water also appear in closed containers with hot rotis. अब आपने, मम्मी ने आपको जब सुबह सुबह टिफिन देती होगी तो आपने देखा होगा कि टिफिन, गर्म टिफिन के अंदर भी हवा भी, सॉरी वेपर आ जाती है। वेपर अराइजिंग फ्रॉम द रोटीज कंडेंस व्हेन इट टच द इनर सरफेस ऑफ द लिड एंड कन्वर्ट इनटू वाटर, गरम रोटियों के डब्बे में जब रोटियां गरम होती है तो गरम रोटियों से भी वेपर निकलती है, और वो जब ढक्कन के साथ चिपकती है तो धीरे धीरे क्या है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके बाद में हमें एक और एग्जांपल देना है, ये वीडियो भी मैंने वहां कर दिखाया, फिर भी आप देख लीजिए। डू दिस आल्सो, ये भी करो, टेक ए ग्लास टम्बलर, कांच का एक ग्लास लो, फिल इट कंप्लीटली विद वाटर, जिसे पानी से पूरा भर दो, स्लोली ड्रॉप ए कॉइन और ए स्मॉल पीबल इन इट, इसमें धीरे धीरे से एक सिक्का या कंकर डालो, लेट द वाटर सेटल डाउन, पानी को बैठ जाने दो, देन अगेन ड्रॉप स्लोली अनदर कॉइन और पीबल इन द वाटर, फिर धीरे धीरे इसमें एक और सिक्का या एक और पत्थर डालो, अगेन लेट द वाटर सेटल, फिर पानी को बैठ जाने दो, वन बाय वन कीप एडिंग कॉइन्स और पीबल्स टू द वाटर, धीरे धीरे एक एक करके आप सिक्के या कंकड़ पानी में डालते जाओ, और फिर आप क्या देखते हो, ऑब्जर्व ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग पॉइंट्स एंड राइट, क्या देखते हो, डिस्पाइट द ग्लास बीइंग कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, डिड द वाटर स्पिल और नॉट आफ्टर द फर्स्ट कॉइन और पीबल वाज ड्रॉप्ड, हालांकि ग्लास पानी से पूरा भरा हुआ था, लेकिन क्या फिर भी पहला सिक्का
या पत्थर डालने के बाद पानी बाहर छलका, पानी बाहर निकला, नहीं निकला। When you observe the edge of glass, do you see the water rising from glass or not? गिलास के किनारे से देखने पर क्या हमें पानी ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है या नहीं है? How much the water rise? कितना पानी ऊपर उठ गया? ये आप एक्सपेरिमेंट में देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। After adding how many coins or pebbles did the water spill out from the glass? कितने सिक्के या पत्थर डालने के बाद पानी गिलास से बाहर छलक गया? अब इसके बाद में है, Why did water not spill out? पानी बाहर क्यों नहीं छलका? To understand this, imagine a stretch rubber membrane. आपको एक रबड़ की membrane होती है, झिल्ली, इसकी कल्पना करनी है। जैसे आप गुब्बारा सा, वैसे गुब्बारे जैसी एक कल्पना कीजिए। Upper surface of water is also somewhat like this. जो पानी के ऊपर की सरफेस, जैसे अपने गुब्बारा फैलाते हैं ना, तो वो फूला हुआ गुब्बारा पानी के ऊपर की सरफेस सेम वैसी होती है। बिकॉज ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल राइज द सरफेस रिमेन स्ट्रेच्ड एंड वाटर डज नॉट स्पिल आउट। पानी धीरे धीरे ऊपर उठता है। जैसे आप एक साथ 10-15 पत्थर डाल दो, एक साथ 10-15 सिक्के डाल दो, तो पानी मिनट में बाहर आ जाएगा। वन बाय वन डालोगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे डालोगे, तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। पावर ऑफ वाटर, वाटर की शक्ति। वाटर हैड टोल्ड निकिता दैट इट इज वेरी पावरफुल आल्सो, लेट्स चेक इट आउट। पानी ने निकिता को यह भी कहा था कि बहुत ताकतवर हो, चलो देखो कैसे। आपके घर में कुकर होगा, आपने देखा होगा, मम्मी से किचन में बोलना, देखो, ऑब्जर्व द विसल ऑफ प्रेशर कुकर लिफ्ट व्हाइल फूड इज बीइंग कुक्ड एट होम। देखो, जब घर में हम खाना बनाते हैं तो कुकर की सीटी ऊपर उठ जाती है। कीप वाटर इन ए वेसल फॉर बॉइलिंग, एक बर्तन में आप पानी गर्म करना रख दो। कीप ए लिड ओवर इट, इसे ढक्कन से ढक दो। बॉइल द वाटर इनफ, पानी को खूब उबालो। व्हाट ऑल हैपन, क्होता है? ऑब्जर्व केयरफुली, तो धीरे धीरे आप क्या देखते हो, क्या होगा? तो अब हमने क्या देखा है, Why did the cooker whistle and whistle lid rise a little bit? कुकर की सीटी और वो ढक्कन थोड़ा सा ऊपर क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि पानी में ताकत है, पानी में जो ताकत है उसके कारण वो ऊपर उठ जाते हैं। Water's vapor has strength. What use can be made of this? पानी की भाप में जो ताकत है इसका क्या उपयोग किया जा सकता है? Water falling to the ground from above too has strength. जो पानी ऊपर से जमीन पर गिरता है ना, उसमें भी बड़ी ताकत होती है। If someone keeps a wheel below it, it will start rotating due to water strength. अगर हम गिरते हुए पानी के नीचे कोई चक्री रख दे तो वो भी घूमने लग जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको एक चक्री बनानी है और उसे नीचे रखकर चलाकर देखिए। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना। वाटर टोल्ड निकिता दैट इट कैन बिकम वेरी हार्ड आल्सो, निकिता को पानी ने बताया कि वो बहुत हार्ड हो सकता है, बहुत मजबूत हो सकता है। लेट सी हाउ, ऐसा कैसे हो सकता है? व्हेन वाटर बिकम्स वेरी कोल्ड, जब पानी बहुत ठंडा हो जाता है, देन इट फ्रीज एंड बिकम्स हार्ड, तब वो जम जाता है और हार्ड हो जाता है, मतलब जब पानी की बर्फ जम जाती है। Once it got too cold, जब पानी जम जाता है, and one entire lake froze and people started walking over the frozen lake. एक बार ऐसे ही बहुत तेज ठंड पड़ी तो एक पूरी की पूरी झील जम गई और लोग उस पर घूमने लग गए। The lake's water was below this ice, और जो झील का पानी था वो बर्फ में बदल गया। अब ऐसा होता है बच्चों, देखो, मान लो ये एक झील है, ओके? तो जब बर्फ जमती है तो ऊपर ऊपर के हिस्से में बर्फ जमती है, नीचे तो पानी रहता है, लेकिन ये जो ऊपर की जो ये लेयर है ना बर्फ की, ये आइस की लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप इस पर पैदल घूम सकते हो, कोई घूमने में दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद में एक और देखिए, आइस डज नॉट सिंक इन वाटर, बर्फ पानी में डूबती नहीं है।
अब इसका आपको एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट मैंने आपको कर कर बता रखा है, अभी वहां हमने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, वीडियो में आप देख लीजिएगा, आपको सारे एक्सपेरिमेंट एक एक एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। तो हमने क्या सीखा इस चैप्टर से, हमने सीखा डिसअपीयरेंस ऑफ वाटर इज वेपोराइजेशन, पानी का उड़ना वाष्पीकरण है। वेपोराइजेशन टेक्स प्लेस मोर इन समर एंड ऑन ब्रॉड सर्फेसेस। वाष्पीकरण वेपोराइजेशन एक तो गर्मी में होता है, दूसरा ब्रॉड सरफेस चौड़ी सतह पर होता है। कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, पानी की वेपर का पानी में बदलना कंडेंसेशन संघनन कहलाता है। वाटर फ्रीज इन एक्सट्रीम कोल्ड, पानी अधिक सर्दी में जम जाता है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, और बर्फ पानी पर तैरती है। फ्लोइंग वाटर एंड इवेपोरेटिंग वाटर बोथ हैव पावर, दिस पावर कैन बी मेड यूज ऑफ। बहते हुए पानी और पानी की भाप में बहुत ताकत होती है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, वाटर ओ वाटर व्हाट कलर आर यू, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। Whatever you are mixed into, like it you appear, जिसमें मिलाओ लगे उस जैसा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और वो जो एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो है आप उसे जरूर देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसका लिंक भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, टिल देन गुड बाय। Take care. Thank you.